तो वहीं राजस्थान में उठा सियासी बवंडर अभी शांत नहीं हुआ। सत्ता और संगठन दोनों खेमे अभी अपने अपने विधायकों की बाड़ाबंदी किए हुए हैं। बाड़ाबंदी का आज चौथा दिन है। दोनों तरफ से जमकर वार पलटवार भी किए जा रहे हैं। आरोप लगाने और उनका खंडन करने का सिलसिला बदस्तूर भी जारी है। एक दूसरे पर वार पलटवार के लिए सोशल मीडिया बड़ा मंच बना हुआ है। कोई सीधे मीडिया से अपनी बात कहकर कह रहा है तो कोई ट्विटर का सहारा लेकर कह रहा है, कोई बयानों का वीडियो जारी कर उन्हें सोशल मीडिया में वायरल कर रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। सीएम अशोक गहलोत के खेमे के विधायक और मंत्रियों की बाड़ाबंदी दिल्ली रोड पर कुक्कस स्थित फेयरमोंट लग्जरी होटल में की गई है। वहीं सचिन पायलट खेमे के विधायक एनसीआर इलाके में एक होटल में डेरा जमाए हुए हैं। गहलोत खेमा पायलट के अगले कदम का इंतजार कर रहा है। पायलट आज मीडिया के सामने आने की भी उम्मीद जताई जा रही है। पूरे प्रकरण में अब तक नपी तुली बात करने वाले सीएम गहलोत ने अब सचिन पायलट के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया। बुधवार को उन्होंने पायलट पर जबरदस्त हमला बोला तो कांग्रेस में खलबली मच गई। जानकारों के मुताबिक ऐसे हालातों में पायलट का कांग्रेस में बने रहना भी मुश्किल है। पूरे प्रकरण में कांग्रेस की ओर से जारी किए गए व्हिप और उसके बाद उसका उल्लंघन करने वाले सचिन पायलट समेत सभी बागी विधायकों को विधानसभा की ओर से भेजे गए नोटिस की वैधानिकता पर बवाल मचा हुआ है। सरकारी खेमा व्हिप और नोटिस की प्रक्रिया को पूरी तरह से वैध बता रहा है, वहीं पायलट खेमा इसे पूरी तरह से अवैधानिक बता रहा है। इस रस्साकसी के बीच सरकार के काम पूरी तरह से ठप हो गए। यहां तक कि कोरोना महामारी को लेकर भी इसकी पूरी मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही।